पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से देश को किया संबोधित, कहा देश की सप्लाई चेन हो रही है बेहतर, 30 लाख करोड़ का निर्यात ऐतिहासिक। पीएम मोदी ने आयुष स्टार्टअप को लेकर की तारीफ, कहा जल्द दुनिया में छा जाएगा भारत। पीएम मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण मिशन से जुड़ने की अपील की, कहा जल की एक एक बूंद बचाने की होनी चाहिए कोशिश। पीएम मोदी ने कहा स्वच्छता के प्रति लोगों में बढ़ी जागरूकता, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को भी मिल रहा है बढ़ावा। पीएम मोदी भारतीय जीवन शैली और योग दीक्षा को सराहा, फिट इंडिया में 126 साल के बाबा शिवानंद का दिया उदाहरण, बताया प्रेरणा स्रोत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सुना मन की बात कार्यक्रम, कहा पीएम मोदी ने मन की बात के मंच का कभी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया। जेपी नड्डा ने दिल्ली में मन की बात सुनने आए बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, पीएम मोदी हमारे भी नेता लेकिन बीजेपी उन्हें मानती है सिर्फ अपना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में हमको भी बहुत आदर है, परम आदर है। इसी बीजेपी के नेता ना ये है ना प्रधानमंत्री जी, एक पार्टी के नेता है कि हमारे भी प्रधानमंत्री है, देश के नेता है। गृहमंत्री अमित शाह का पंजाब दौरा, चंडीगढ़ में कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। यूपी में योगी सरकार की ओर से राज्य को पहली सौगात, गोरखपुर से वाराणसी के लिए विमान सेवा को हरी झंडी। यूपी को मिला 6 नई विमान सेवा का तोहफा, उड़ान योजना की सीएम योगी ने की तारीफ, कहा हवाई यात्रा से बचता है लोगों का समय। बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। वाराणसी के पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से लिया गया फैसला, सीएम योगी ने कहा काशी दुनिया का प्राचीन नगर है, हर भारतीय यहां पर आना चाहता है। हम सब जानते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है। सीएम योगी के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे वर्चुअल मौजूद, कहा मोदी और योगी की विकासवादी और न्यायवादी सरकार में विकास ने पकड़ी रफ्तार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी, कहा आज यूपी में 6 नई विमान सेवा के साथ कुल 9 नई उड़ानों की जानकारी। चार एयरपोर्ट से आज उसी उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट स्थापित हुए हैं पिछले 7 सालों के अंदर। आज से फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत, कोरोना के चलते 2 साल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी हुई थी रोक। शिवकुमार स्वामी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह, अमित शाह 1 अप्रैल को जाएंगे सिद्धगंगा मठ। चंडीगढ़ पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के नए दफ्तर का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे थे दिग्विजय सिंह, जनता उन्हें इस बात की सजा देगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी पर बोला जोरदार हमला, कहा मुकेश साहनी के विभाग में हो रही है धांधली। लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में हुई बैठक, इस दौरान बीएसपी ने अपनी कार्यकारिणी भंग करते हुए 3 चीफ कोऑर्डिनेटर किए नियुक्त। गुड्डू जमाली की बीएसपी में वापसी, एआईएमएम के टिकट पर लड़ा था चुनाव, गुड्डू जमाली को बीएसपी ने आजमगढ़ से उपचुनाव में उतारा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में सराही गई सशक्त महिलाओं की भूमिका, 75 महिलाओं को WTI यानी कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के पुरस्कार से नवाजा गया। मधुपुर शेखावटी में सैयद परिवार की अनूठी पहल, बेटी के निकाह से पहले घोड़ी पर बेटी को बैठाकर कराया द्वारचार, बेटों से बराबरी का दिया संदेश। मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में कई अहम फैसले, स्कूलों में होगा बायोमेट्रिक सिस्टम। भरतपुर में कांग्रेस विधायक के स्वागत कार्यक्रम में अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग, बीजेपी की मांग कार्रवाई करें। जालंधर के आदमपुर में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से सनसनी, पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर शुरू की जांच।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें हुई बेलगाम, फिर से बढ़ाए गए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हुआ। दिल्ली में डीजल के दामों में 55 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, डीजल की कीमत प्रति लीटर 90 रुपए 42 पैसे पहुंची। मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में भी 53 पैसे का इजाफा, 1 लीटर पेट्रोल के लिए चुकाने होंगे 113 रुपए 35 पैसे। मुंबई में डीजल के दामों में 58 पैसे का इजाफा, 1 लीटर डीजल मुंबई में 98 रुपए 13 पैसे का हुआ। देश में नहीं खत्म हो रहा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर छिड़ा घमासान, अब राजौरी में जामिया मस्जिद के मौलवी फारूक ने बारूद को दिखाई चिंगारी। मौलवी फारूक ने फिल्म कश्मीर फाइल्स को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया, गुलामी की दिलाई याद, कहा याद रखे हमने 800 साल तक इस मुल्क पर की हुकूमत, आपने सिर्फ 70 साल। हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो, खुदा की कसम तुम मिट जाओगे लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। मौलवी फारूक ने फिल्म कश्मीर फाइल्स पर फौरन पाबंदी की मांग की, कहा फिल्म में सिर्फ कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया, मुसलमानों का नहीं। तो कश्मीर फाइल्स को लेकर आप सांसद संजय सिंह की सलाह, कोरोना काल में दूरदर्शन पर जैसे रामायण दिखाई, हफ्ते में 3 बार द कश्मीर फाइल्स दिखाई सरकार। दिव्य सेवा प्रेम मिशन के कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की शिरकत, कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी रहे मौजूद। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नेता पीएल पुनिया ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कही बात, बोले सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे सरकार के खिलाफ आवाज। सार्वजनिक समारोह में फिसली महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की जुबान, बोले मेरे पास है राज्य की तिजोरी की चाबी, अगर मैंने तिजोरी नहीं खोली तो तुम्हें क्या दूंगा। जबलपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने 4 अलग अलग जगहों पर तोड़े अवैध निर्माण, सरकारी जमीन करवाई खाली। अगर मालवा में दशमाता पर्व की धूम, परिवार की समृद्धि के लिए इस दौरान महिलाएं करती है पीपल के वृक्ष की पूजा। नागपुर से 45,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू करने वाला युवक पहुंचा अबोहर, लोगों ने किया स्वागत। धौलपुर में ट्रांसजेंडर उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। स्पीति में पहली स्नो मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन, 10,000 फीट की ऊंचाई पर हुई मैराथन। केदारनाथ में रास्ते पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी, अभी भी रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। मुंबईकरों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए 6 रास्तों को किया गया बंद, पुलिस कमिश्नर ने मुंबईकरों के साथ लगाई दौड़। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब का रिजॉर्ट तोड़ने दापोली पहुंचे बीजेपी नेता सोमैया और नीलेश राणे, पुलिस ने रोका। महाराष्ट्र पुलिस ने किरीट सोमैया और नीलेश राणे को किया अरेस्ट, बाद में उन्हें रत्नागिरी जिले के बाहर लाकर छोड़ दिया गया। आगरा में आयोजित ताज महोत्सव में गूंजे हरिहरन के सुर, दर्शकों ने तालियों से किया स्वागत। झाड़ली में मृतक जवान विक्रम यादव का अंतिम संस्कार, सैनिक सम्मान और शहीद का दर्जा देने पर अड़े थे परिजन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 21 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे जवान विक्रम यादव, 4 दिन पहले गोली लगने से मौत होने पर बिना प्रोटोकॉल लाया गया था पार्थिव शरीर, परिजनों ने जताया था एतराज। मध्य प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होने का दावा, युवक ने सीएम शिवराज को ट्वीट कर की जांच की मांग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने युवक के दावे के बाद किया ट्वीट, लिखा ये गंभीर आरोप है, तुरंत इसकी जांच हो। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से आई अच्छी खबर, नौपदा रेलवे स्टेशन पर लगा देश का पहला स्टेनलेस स्टील से बना फुट ओवर ब्रिज। शादी करने कीव से दिल्ली पहुंची यूक्रेनी युवती, भारतीय वकील ने एयरपोर्ट पर ऐसे किया प्रपोज, तुरंत हो गई शादी के लिए तैयार। 2019 में भारत घूमने आई यूक्रेनी लड़की की हुई थी भारतीय लड़के से मुलाकात, लॉकडाउन के दौरान दूर रहने के बावजूद बना रहा प्यार, इसी महीने दोनों की दिल्ली में शादी।
महिला वर्ल्ड कप से बाहर भारत की टीम, आखिरी गेंद पर साउथ अफ्रीका की टीम ने दी मात। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 274 रनों का दिया था टारगेट, अफ्रीकी टीम ने 7 विकेट खोकर किया लक्ष्य हासिल। आईपीएल में मयंती लैंगर की वापसी, रवि शास्त्री संग आई नजर, बच्चे के कारण पिछले 2 आईपीएल सीजन में भाग नहीं ले पाई थी। केकेआर के विकेटकीपर शेल्डन जैक्सन के मुरीद हुए सचिन तेंदुलकर, बोले धोनी की याद दिला दी। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 32वां दिन, रूस ने और तेज किए हमले, लवीव शहर पर दागे मिसाइल। रूस के मिसाइल हमले से लवीव शहर को पहुंचा भारी नुकसान, क्रीमिया से दागी गई मिसाइल। लवीव के आसमान में दिखा धुएं का गुबार, नाटो देशों के करीब है यूक्रेन का लवीव शहर, रूस ने हमला तेज कर नाटो देशों को आगाह करने की है कोशिश। मेयर के मुताबिक रूस ने किए 2 मिसाइल हमले, तेल डिपो समेत रिहायशी इलाके को बनाया निशाना। लवीव पर हमले के दौरान रिहायशी इलाकों में बना यूक्रेन का अहम सैन्य ठिकाना भी हुआ तबाह। यूक्रेन के कीव और इरपिन में भी रूसी सेना ने जबरदस्त तबाही मचाई, हर तरफ दिख रहा है बर्बादी का मंजर। कीव और इरपिन में रूसी हमले से यूक्रेन की कई औद्योगिक यूनिटें हुई तबाह। सैटेलाइट तस्वीरों में हर तरफ पसरा दिखा वीराना, खंडर में तब्दील हुआ शहर, रूसी सेना ने इरपिन से कीव आने का रास्ता भी रोका। ताजा रूसी हमलों से यूक्रेन के खार्किव, खेरसन और जैटोमिर में भी भारी तबाही। यूक्रेन से जंग में रूस को भारी नुकसान, बेलारूस की एक बटालियन ने दिखाए रूस के बर्बाद सैन्य साजो सामान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड से एक बार फिर रूस को दी सीधी चेतावनी, कहा रूस नाटो देशों में घुसने की जरूरत न करे। बाइडेन ने कहा पुतिन घोट रहे हैं लोकतंत्र का गला, लंबी जंग के लिए रहें तैयार। बाइडेन ने यह भी कहा यूरोप के देश रूस पर अपनी तेल की निर्भरता करें कम, रूस से ज्यादा तेल खरीदकर उसकी आर्थिक मदद न करें, युद्ध मशीन को रोकें। जंग के बीच यूक्रेन के जज्बे की दिखी शानदार तस्वीर, नोवोमोस्क में लोगों ने अपने देश के गिरे झंडे को फिर से फहराया। फिर से झंडा फहराने के लिए यूक्रेनी नागरिकों ने एक दूसरे के कंधे का लिया सहारा, पोल पर फहराया देश का झंडा। वारसो में पोलैंड के राष्ट्रपति से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन युद्ध को लेकर रणनीति पर चर्चा। पोलैंड में ही यूक्रेन के विदेश और रक्षा मंत्री से बाइडेन की मुलाकात, युद्ध में हर संभव मदद का भरोसा। पोलैंड के शरणार्थी कैंप के दौरे पर बाइडेन का पुतिन के खिलाफ सख्त बयान, कहा वो एक कसाई है। रूस को नाटो की बड़ी चेतावनी, कहा अगर हुआ परमाणु या केमिकल हमला तो हम भी लेंगे एक्शन। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने जताई परमाणु युद्ध की आशंका, कहा रूस कर सकता है न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। अमेरिका ने यूक्रेन के युद्ध पीड़ितों के लिए किया मदद का ऐलान, कहा 1,00,000 यूक्रेनी लोगों को शरण देगी अमेरिकी सरकार। बाइडेन ने यूरोप से की अपील, कहा तेल के लिए खत्म करे रूस के ऊपर से निर्भरता, तेल खरीदकर युद्ध मशीन की ना करे मदद। खार्किव में न्यूक्लियर लैब पर रूस का हमला, यूक्रेन की ओर से जारी किया गया बयान, हमले जारी रहे तो रेडिएशन फैलने का खतरा। जेलेंस्की ने दिया हताशाजनक बयान, बोले मारियोपोल को बचाना मुश्किल। जेलेंस्की ने यूक्रेन में हथियारों की कमी की कही बात, बोले मशीन गन से नहीं गिराई जा सकती है रूसी मिसाइलें। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दागने का जारी किया नया वीडियो, काला सागर से किया हमला। रूस यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध का बड़ा खतरा, पुतिन ने अटलांटिक सागर में उतारी न्यूक्लियर पनडुब्बी, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस कर रहा है भीषण बमबारी। इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान की रैली, विपक्ष भी निकाल रहा है मार्च। इमरान खान के इस्तीफा देने की अटकलें तेज, अविश्वास प्रस्ताव पर 4 अप्रैल को हो सकती है वोटिंग। दुनिया भर में मनाया गया अर्थ आवर, रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे। देश में भी प्रमुख इमारतों पर बुझा दी गई बत्तियां, बिजली बचाकर बेहतर भविष्य का संदेश।